यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 38। यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 38। फिर जो वचन यर्मयाह सब लोगों से कहता था, उनको मत्तान के पुत्र शपन्याह, पशहूर के पुत्र गदल्याह, शिलेम्याह के पुत्र युकल और मलकियाह के पुत्र पशहूर ने सुना कि यहोवा यो कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। यहोवा यो कहता है, यह नगर बाबुल के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा। इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा कि उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों में ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है। सिदकिया राजा ने कहा, सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। तब उन्होंने यर्मयाह को लेकर राजपुत्र मलकियाह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतार कर डाल दिया, और उस गड्ढे में पानी नहीं केवल दलदल था, और यर्मयाह कीचड़ में धस गया। उस समय राजा बिन्यामिन के फाटक के पास बैठा था। सो जब एबेदर में लेख कुशी ने, जो राजभवन में एक खोजा था, सुना कि उन्होंने यर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है, तब एबेद में लेख राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यर्मयाह भविष्यवक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा है, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है। वहां वह भूख से मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं है। तब राजा ने एबेद मेले कुशी को यह आज्ञा दी कि यहां से 30 पुरुष लेकर यर्मयाह भविष्यवक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल। सो एबेद मेले उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भंडार के तलघर में गया और वहां से फटे पुराने कपड़े और चिथड़े लेकर यर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतार दिए। और एबेदमेलेक कुशी ने यर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चिथड़े कपड़े अपनी काखों में रस्सियों के नीचे रख ले। सो यर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला और यर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। सिदकियाह राजा ने यर्मयाह भविष्यवक्ता को यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में अपने पास बुलवा भेजा, और राजा ने यर्मयाह से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, तुझसे कुछ न छिपा। यर्मयाह ने सिदकियाह से कहा, यदि मैं तुझे बताऊं तो क्या तू मुझे मरवा न डालेगा, और चाहे मैं तुझे सम्मति भी दू तो भी तू मेरी न मानेगा? तब सिदकियाह राजा ने अकेले में यर्मयाह से शपथ खाई, यहोवा जिसने हमारा यह जीव रचा है उसके जीवन की सौगंध, न मैं तो तुझे मरवा डालूंगा और न उन मनुष्यों के वश में कर दूंगा जो तेरे प्राण के खोजी है। यर्मयाह ने सिदकियाह से कहा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है वह यो कहता है, यदि तू बाबुल के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए तब तो तेरा प्राण बचेगा और यह नगर फूंका न जाएगा और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा, परंतु यदि तू बाबुल के राजा के हाकिमों के पास न निकल जाए तो यह नगर कस्तियों के वश में कर दिया जाएगा और वे इसे फूंक देंगे और तू उनके हाथ से न बच सकेगा। सिदकियाह ने यर्मयाह से कहा, जो यहूदी लोग कस्तियों के पास भाग गए हैं मैं उनसे डरता हूं, ऐसा न हो कि मैं उनके वश में कर दिया जाऊं और वे तुझसे ठट्टा करें। यर्मयाह ने कहा, तू उनके वश में न कर दिया जाएगा, जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं उसे यहोवा की बात समझकर मान ले। तब
तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचेगा, और यदि तू निकल जाना स्वीकार न करे तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है वह यह है, देख यहूदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई है वे बाबुल के राजा के हाकिमों के पास निकलकर पहुंचाई जाएंगी, और वे तुझसे कहेंगी तेरे मित्रों ने तुझे बहका दिया और उनकी इच्छा पूरी हो गई, और जब तेरे पांव कीच में धस जाए तो वे पीछे फिर गए हैं। तेरी सब स्त्रियां और लड़के वाले कसदियों के पास निकाल कर पहुंचाए जाएंगे, और तू भी कसदियों के हाथ से न बचेगा, वरन तू पकड़कर बाबुल के राजा के वश में कर दिया जाएगा, और इस नगर के फूके जाने का कारण तू ही होगा। तब सिदकिया ने यिर्मयाह से कहा, इन बातों को कोई न जानने पाए तो तू मारा न जाएगा। यदि हाकिम लोग यह सुनकर कि मैंने तुझसे बातचीत की है तेरे पास आकर कहने लगे, हमें बता कि तूने राजा से क्या कहा, हमसे कोई बात न छिपा और हम तुझे न मरवा डालेंगे, और यह भी बता कि राजा ने तुझसे क्या कहा, तो तू उनसे कहना कि मैंने राजा से गिड़गिड़ाकर विनती की थी कि मुझे योनातान के घर में फिर वापस न भेज, नहीं तो वहां मर जाऊंगा। फिर सब हाकिमों ने यिर्मयाह से आकर पूछा, और जैसा राजा ने उसको आज्ञा दी थी ठीक वैसा ही उसने उनको उत्तर दिया, सो वे उससे और कुछ न बोले और न वह भेद खुला। इस प्रकार जिस दिन यरूशलेम ले लिया गया उस दिन तक वह पहरे के आंगन में ही रहा।